सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल बिस्टन बॉय में। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिस्टन बॉय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। एंड गाइस आज बात करने वाला हूँ, 2.5 साल पुराना कुछ वीडियोज़ है मेरे पास जो मैंने प्राइवेट करके रख दिया था। तो एंड मैं सोचा कि आज वो आप लोग को दिखा दूँ 2.5 साल पहले कैसा था गेम का ग्राफिक्स एंड क्या था गेम के अंदर। तो ये मेरा ही वीडियो है एंड इसके अंदर क्या क्या था मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये आज जो फ्री फायर खेलते हो ना वही फ्री फायर है, बस 2.5 साल पहले कुछ इस तरह था। एंड तभी हैलोवीन इवेंट आया था, तभी ये सब मतलब मिल रहा था हम लोगों को गेम के अंदर। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि गेम के अंदर क्या क्या है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गेम को एंड मैं आपको दिखा देता हूँ लॉबी कैसा था और क्या क्या मिल रहा था और गेम का क्या लुक था पहले, ठीक है। एंड काफ़ी कुछ नया था इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर आज से 2.5 साल पहले कुछ इस तरीका था एंड इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। और जो आपको क्रिमिनल बंडल मिल रहे थे स्टार से, तो ये था आपको लॉगिन, हर दिन एक बार लॉगिन करोगे तो एक फ्री स्पिन आपको मिलता था जिसमें आपको 5 स्टार या तो 2 स्टार मिलते थे। एंड ऐसे मेरे को भी, मेरे पास अभी भी स्टार पड़ा हुआ है, 10 या तो 20 स्टार पड़ा हुआ है जो क्रिमिनल चेंज करने के लिए मिला था, बट मेरे को पूरा नहीं मिला जिसके कारण मैं चेंज नहीं कर पाया, एक्सचेंज नहीं कर पाया। एंड तभी का जो ग्राफिक्स क्वालिटी था फ्री फायर के अंदर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था, अल्ट्रा और वेरी ब्राइटनेस और हाई क्वालिटी था एंड हाई FPS भी था तभी एंड नॉर्मल FPS और क्लासिक भी था, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ ये आज से लगभग 2.5 साल पुराना वीडियो है एंड लगभग 2.5 साल होगा, ठीक है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोगों को बता दूँ, दिखा दूँ कि क्या क्या था तभी, क्या क्या मिल रहा था। एंड यहाँ पे मेरा तभी गेम इन गेम नेम शारुल प्रिंस था, ठीक है। मैं तभी बिस्टन बॉय चेंज नहीं किया था, बस मेरा गेम ऐसे ही मैंने जो नाम स्टार्टिंग में रखा था वही नाम था। तो यहाँ पे देख सकते हो तो शारुल प्रिंस लिखा हुआ है, शारुल प्रिंस पूरा नहीं आया। एंड ये सीज़न 5 का है, जब सीज़न 5 का इलेट पास आया था तभी मैंने ये रिकॉर्ड किया था। एंड लेफ्ट साइड में हम लोग का इनवाइट का जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, तो लेफ्ट साइड में आते थे लेकिन अभी रिसेंटली हमारे राइट साइड में आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है एंड इसका लॉबी देखो, हेलोवीन का सारा पंपकिन जितना भी है यहाँ पे देख सकते हो। एंड तभी 10 रुपये का एयर ड्रॉप बहुत ज़्यादा आते थे, ये जो एयर ड्रॉप पड़ा हुआ है ना ये भी 10 रुपये का था, तभी मैंने लिया नहीं था, वेट कर रहा था कि थोड़ी देर बाद लूँगा। एंड यहाँ पे काफ़ी कुछ नया नया हमें मिल रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टोर में इमोट के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे इमोट ज़्यादा नहीं थे, ओनली 8 इमोट था, मतलब आपको बस 8 ही इमोट मिल रहे थे। एंड हम लोग का जो अभी इमोट रखने का स्लॉट था ओनली 6 स्लॉट था, ठीक है। तभी स्टार्टिंग में अगर फ्री फायर की बात करूँ तो ओनली 6 स्लॉट था, अगर आप यहाँ पे गिनती करोगे तो 6 ही स्लॉट आपको दिख रहे होंगे, तो 6 स्लॉट आप रख सकते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 इमोट को रख सकते हो, उससे अलावा ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन अभी 8 इमोट रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब एडवांस हो गया बहुत कुछ। एंड हमारे गेम के अंदर ओनली 8 इमोट था तभी, मतलब स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, 8 इमोट आए थे एंड ये सारे लॉक थे, मतलब खुले नहीं थे। अभी आप बाई करना था, मतलब बाई करके लोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा स्टोर में इसका रेट कितना था, ठीक है। अभी क्या रेट है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि तभी क्या रेट था मतलब इमोट का। तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना कि अभी स्टोर के अंदर कितना इमोट का रेट है, ठीक है। और ये इलाइट पास में आया था और यहाँ पे लगभग 4 या 5 इमोट मतलब इलाइट पास में आया था, दो इमोट आए थे स्टोर पे, एक हाई करने वाला और एक क्लैप का, दोनों आए थे स्टोर के अंदर। एंड बाकी सारे आए थे स्टोर में इवेंट्स में आए थे, एक और एक आया, 2-3 आया था इलाइट पास के अंदर, मैं दिखा दूंगा। और ये चिकन वाला है जो ये आपको मिला था, क्या कहते हैं, इलाइट पास के अंदर जो सीज़न 5 का इलाइट पास के अंदर मिला था। एंड आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टोर में जाओगे ना तो स्टोर में आपको काफ़ी मतलब डिस्काउंट में इमोट मिल रहे थे, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेरे को तभी मतलब मैंने लिया नहीं था, मेरे पास इमोट मतलब कम थे, लेकिन फिर टाइम के साथ मैंने लिया, ये मैंने रिकॉर्ड किया था तभी कुछ अपडेट आए थे तभी मैंने रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ हेलोवीन में आपको क्या क्या मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे रॉकस्टार बंडल जो है, रॉकस्टार बंडल आपको पूरा बंडल मिल रहे थे एंड साथ ही साथ प्लोमा का भी कुछ बंडल्स मिल रहे थे। तो यहाँ पे इमोट्स देख सकते हो, ओनली 149 डायमंड से मिल रहे थे, ठीक है। और 2 ही इमोट आए थे इलाइट मतलब स्टोर के अंदर, 2 ही इमोट आए थे न्यू में, तो मतलब फर्स्ट जब इलाइट मतलब इमोट आए थे तभी मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड ये ओनली था 149 और अभी के टाइम पे 399 इमोट का मतलब प्राइस है, अगर आप जाके स्टोर में खोल के देखोगे तो एक इमोट का डायमंड देना पड़ रहा है आपको 399, मतलब ऑलमोस्ट कितना डायमंड बढ़ा दिया, मतलब समझ रहे हो। एंड तभी यार गेम का एक वैल्यू था, मतलब खेलते थे तभी मज़ा आता था, बट अभी यार गेम एक चैलेंज हो गया, अगर आप देखोगे बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं। एंड तभी बहुत चीज़ मतलब सस्ते में मिल रहा था, अभी बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है, जब जब मतलब फ्री फायर का ये मतलब बढ़ने लगा कि ऑडियंस बढ़ने लगे फ्री फायर के, तब तक मतलब गेम का भी डायमंड भी बढ़ा दिया, ऐसे ही मतलब होता है, गेम है भाई कुछ भी हो सकता है।
और गाइस यहाँ पे देख सकते हो गेम का जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स भी एक लगभग एक चीज था। एंड यहाँ पे देख सकते हो इनवाइट अगर आ रहे हैं ना तो आप परमानेंटली इसको बंद नहीं कर सकते, मतलब क्लिक करके कि इसको बंद कर दे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अभी रिसेंटली ये सब मतलब स्टार्ट हुआ, बट पहले ऐसा नहीं था। एंड तभी डायमंड भी बहुत कम में मिल रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर डायमंड लक रॉयल FAQ जो मतलब जोकर का जो बंडल आए थे डायमंड लक रॉयल में आए थे फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ पे ये जो सीजन जो मैं मतलब जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम में आपका जो क्रिमिनल बंडल है जो आप मतलब स्टार से एक्सचेंज कर सकते थे तभी का ये मतलब मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड तभी कुछ अपडेट आए थे तभी मैंने ये रिकॉर्ड किया था। एंड काफ़ी कुछ नया था यार, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम। एंड यहाँ पे अगर देख सकते हो लेफ्ट साइड में अगर आप इन्विटेशन मतलब कोई भी बंदा ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड से आप इन्वाइट करोगे, ठीक है। एंड देख सकते हो तभी मेरे पास डायमंड था लेकिन मैंने सीजन फाइव का इलाइट पास नहीं खरीदा। मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ यार कितना बुद्धू था मैं तब, मतलब डायमंड होते हुए भी मैंने तभी मतलब इलाइट पास नहीं खरीदा, ठीक है। सीजन फाइव का मैं खरीदा ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं था कि यार तभी कभी ये गेम इतना फेमस होगा या तो इतना आगे जाएगा, ठीक है। इतना अफसोस करता हूँ अभी कि यार तभी मैंने खरीदा क्यों नहीं। देख सकते हो डायमंड अभी मेरे पास 415 है, मतलब 415 डायमंड पड़ा हुआ था। अगर मैं और 100 डायमंड बाई कर लेता तो यहाँ पे 499 से मैं इलाइट पास खरीद सकता था तभी, ठीक है। तभी 499 नहीं थे शायद 399, मैं भूल गया यार, बहुत पुराना वीडियो है। एंड आप मतलब तभी मैं सीजन 5 में मतलब ये इलाइट पास मतलब बाई करने की सोच रहा था, ठीक है। तो यार मतलब इतने सस्ते सस्ते मतलब इलाइट पास मिल रहे थे बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब क्या ही बोलूँ। एंड आज के टाइम में भाई इलाइट पास का ये जो इलाइट पास है बहुत ही महंगे मतलब हो गए हैं, मतलब बहुत ही डिमांडिंग है। और यहाँ पे बात करते हैं गिल्ड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी के गिल्ड में था जो मतलब 2 लेवल का गिल्ड था एंड बहुत ही पुराना गिल्ड है, शायद आज ये गिल्ड बहुत ही ऊपर होगा। मेरे को इसका गिल्ड का आईडी नहीं पता मैं, बट आईडी एक बार सर्च करूँगा कि ये गिल्ड है कि अभी भी। एंड इस गिल्ड में मैं था बट बहुत पुराना गिल्ड है, अगर समझ लो 2.5 साल पुराना गिल्ड समझ सकते हो कितना पुराना है। तो आप भी एक बार चेकआउट करना, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके। आज नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय।